हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एक लेटेस्ट वैकेंसी की जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से रिलीज की गई है। गाइस, ये जो वैकेंसी है नर्सिंग की पोस्ट के ऊपर रिलीज की गई है, यानी कि क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है ये। कंप्लीट डिटेल्स हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन आप लोग अन अकेडमी के साथ कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। PMYT कोड जितनी भी कैटेगरीज अन अकेडमी ऐप के ऊपर, उन सभी के लिए वैलिड है। चलिए आगे जान लेते हैं वैकेंसी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स। गाइस, ये जो वैकेंसी रिलीज की गई है वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स ऋषिकेश की तरफ से रिलीज की गई है। और ये वैकेंसी ट्यूटर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर नर्सिंग की पोस्ट के ऊपर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है। टोटल 33 गाइस यहाँ पे वैकेंसीज है और ग्रुप ए की वैकेंसी है यहाँ पे रिलीज की गई है। साथ ही गाइस, आप लोग वैकेंसी का ब्रेकअप भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, पे स्केल की बात करेंगे। पे स्केल 10 के अकॉर्डिंग आपकी पेमेंट यहाँ पे बनेगी। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं 15,600 से लेके 39,100 रहेगी, एंड विद आपका यहाँ पे ग्रेड पे भी रहेगा 5,400। एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 50 इयर्स गिवन है, तो इसे आप चेक कर सकते हैं। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। पहले एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। आप लोग या तो BSc नर्सिंग आप लोगों ने कंप्लीट किया हो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, या फिर आप लोग रजिस्टर्ड होने चाहिए नर्स एंड मिडवाइफ विद सिस्टर ट्यूटर्स डिप्लोमा। तो ये दोनों में से आपके पास कोई एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। साथ में आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन टीचिंग इंस्टीट्यूशन। तो आपके पास यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए नर्सिंग के अंदर टीचिंग का। साथ में उसके बाद यहाँ पे डिजायरेबल भी है, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन होगी तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। दैट इज, अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है नर्सिंग के अंदर तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके साथ ही साथ अगर आपके पास यहाँ पे रजिस्टर्ड है आप लोग नर्स मिडवाइफ इन स्टेट नर्सिंग काउंसिल, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। तो गाइस, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं प्रेफरेंस देने के लिए यहाँ पे कौन कौन सी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। अगर ऐसा नहीं भी है और ऊपर वाली क्वालिफिकेशन को आप लोग मीट करते हैं, आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो फिर आप इसके वैकेंसी के लिए तब भी आप लोग अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। लास्ट डेट गाइस यहाँ पे गिवन है, लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई करने की आपकी 15 अक्टूबर यहाँ पे रहने वाली है। आगे देख लेते हैं, अब यहाँ पे बात करेंगे कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से आप लोग अप्लाई करेंगे और गाइज यहाँ पे फीस पेमेंट क्या रहेगी। तो गाइज यहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पे कर पाएंगे 1 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक आप लोग इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोग www.aims यहाँ पे ऋषिकेश की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पे जाकर के आप लोग अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पे। एंड साथ ही गाइज, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो गाइज यहाँ पे UR OBC EWS कैंडिडेट्स को 2,000 रुपीज फीस पेमेंट करनी होगी इस फॉर्म को फिल करने के लिए। साथ ही गाइज SC ST कैंडिडेट्स को यहाँ पे 1,000 रुपीज फीस पेमेंट करनी होगी। PWD कैंडिडेट्स को कोई भी फीस पेमेंट यहाँ पे नहीं करनी होगी। तो गाइस, आपको ये सारी चीजें कम्प्लीटली समझ में आ गई होंगी। लास्ट डेट 15 अक्टूबर यहाँ पे रहने वाली है। अगर आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोग इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस वैकेंसी के लिए फिर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही गाइस, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अपनी प्रिपरेशन आप लोग अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक के साथ कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। PMYT कोड जितनी भी कैटेगरीज अनअकैडमी ऐप के ऊपर, उन सभी के लिए वैलिड है। वेदर इट इज UPSC, SSC, बैंक, रेलवे, CDS, FCAT, CAPF, State PSC, UGC, NET, IIT, NEET। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से आप लोग अनअकैडमी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।